सेम यही होता है, एक कट रहे तो एक को कब तक काटेंगे, जब तक वो एक ना हो जाए, फिर अगले स्टेप में इसको तीन से काटेंगे, तीन में कम्प्लीट हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो मतलब इसका एलसीएम 50 और 30 का लास्ट बताना, तो मैं इनका जो गुणनखंड होगा, ये जो गुणनखंड होगा बड़ा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 2 × 5 और 2 × 5 और 2 × 3 इनका मल्टीपल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 × 5 = 10, 10 × 10 = 50 और 50 × 5 = 15 मतलब कितना आ जाएगा 150, 150 यही एलसीएम आ जाएगा। देखो 150, देखो 50 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रही संख्या है। हमने पहले बताया था कि ऐसी संख्या लो जो दोनों से कट जाए और दोनों से बड़ी हो, बस यही एलसीएम कहलाता है। इसी तरीके से एलसीएम निकलता है, काटने का तरीका यही है, काटते हुए चले जाएंगे, ऐसे काट करके निकाल देंगे इसको, ठीक है ना। तो आज आपको ये वीडियो समझ में आया, मतलब ये सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसमें आया कल एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक के बारे में आप लोगों को बताएं कल। तो